अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डर का असली एहसास आपको यही मिलेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की मूवी। फिल्म की शुरुआत में हम एक मीला नाम की नर्स को देखते हैं, जो एक कैंसर पेशेंट लड़की टीवी की देखभाल कर रही होती है। जब मीला जाने लगती है, टीवी उसका हाथ पकड़ लेती है, जिसके जवाब में मीला उसे रीअश्योर करती है कि वो कल फिर आएगी और तब तक नर्स इंदा उसके साथ रहेगी। फिर इंदा आती है और जब मीला टीवी की रिपोर्ट इंदा को देती है, तभी उन्हें एक चिड़िया की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनके इंदा कहती है कि इसका मतलब है कोई मरने वाला है। बाद में जब मीला घर के लिए निकल रही होती है तो देखती है कि इंदा जल्दी में टीवी के वार्ड में जा रही होती है। कंसर्न होके मीला वहाँ चेक करने जाती है और ये देखकर बहुत दुखी हो जाती है कि टीवी की डेथ हो गई है। तभी एक सीनियर नर्स मीला के पास आती है और उसे अर्जेंटली एक पेशेंट के घर जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। वो मीला को एक बैग देती है जिसमें सारे जरूरी आइटम्स और डोसेज इंस्ट्रक्शंस होते हैं। और जब मीला उस पेशेंट के घर पहुंचती है तब रात हो चुकी होती है और पेशेंट का बेटा रदित उसे बताता है कि उसकी माँ की डेथ हो चुकी है। मीला पूछती है कि क्या वो किसी तरह की हेल्प कर सकती है, जिसके जवाब में रदित कहता है नहीं। जब मीला के लिए वहाँ कोई काम नहीं होता तो वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसकी कार अचानक खराब हो जाती है और काफी ट्राई करने के बाद भी कार स्टार्ट नहीं होती। तभी रदित आता है और हेल्प ऑफर करता है, वो गाड़ी को स्टार्ट कर देता है, लेकिन मीला के जाने से पहले रदित उससे एक हेल्प मांगता है। मीला मान जाती है और वापस उसके साथ उसके घर जाती है। रदित उससे पूछता है कि क्या वो उसकी माँ की डेड बॉडी को नहला सकती है और समझाता है कि वो उसकी सगी माँ नहीं थी, इसलिए वो खुद ये काम नहीं कर सकता। रदित मीला को इन्फॉर्म करता है कि बाकी फैमिली मेंबर्स शहर से बाहर गए हुए हैं और बॉडी दफन करने के लिए अगली सुबह तक ही वापस आ पाएंगे। फिर वो एक कपड़ा लाता है और बताता है कि उसकी माँ ने इसे काफी टाइम से संभाल के रखा था, ये कहकर कि जब वो मर जाएगी तो उसे इसी कपड़े में लपेटा जाए। कुछ देर बाद मीला रदित की माँ की डेड बॉडी को नहलाती है और उसे उस कपड़े में लपेटना शुरू करती है। सब काम खत्म करने के बाद मीला नोटिस करती है कि उसका बैग ऊपर ही रह गया है। जब वो बैग लेने जाती है तो रदित को कब्रिस्तान से फोन आता है। रदित मीला के पास आकर पूछता है कि क्या वो यहाँ उसके आने तक रुक सकती है, क्योंकि उसे दफनाने की तैयारियों के लिए जाना पड़ेगा ताकि अगली सुबह उसकी माँ की बॉडी को दफना सके। तभी मीला को ऊपर एक छोटी लड़की दिखाई देती है और रदित उसे बताता है कि वो उसकी बेटी नोवी है। रदित के जाने के बाद मीला घर में कुछ फोटोज देखती है, जिसमें रदित की माँ और एक बूढ़ा आदमी जो शायद रदित के डैड होंगे नजर आते हैं। जब उसका ध्यान डेड बॉडी की तरफ जाता है तो वो देखती है कि उसकी नाक से कॉटन गिर गया है। मीला को ये देख के अजीब लगता है, लेकिन वो पास जाके फिर से कॉटन उसकी नाक में डाल देती है। उसके बाद मीला किचन में अपने हैंड वॉश करने के लिए जाती है, लेकिन तभी उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो बाहर आके चेक करती है कि आखिर आवाज आ कहां से रही है और उसे पता चलता है कि ये आवाजें ऊपर नोवी के रूम से आ रही होती हैं। जब वो ऊपर जाके नोवी के रूम में चेक करती है तो वहां कोई नहीं होता, और जब वो वापस जाने के लिए मुड़ती है तो अचानक दरवाजे पर खड़ी नोवी को देखकर चौंक जाती है। नोवी रूम से बाहर जाने लगती है, तब मीला उसे बताती है कि वो नर्स है जो उसकी दादी की बॉडी का ख्याल रख रही है। मीला उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ नीचे आना चाहती है या वो यही रहना पसंद करेगी। नोवी बिना कुछ बोले वापस अपने रूम में चली जाती है। जब मीला नीचे जा रही होती है तब उसे फिर से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो नीचे देखती है कि कहीं रदित तो वापस नहीं आ गया है, लेकिन तभी अचानक एक ग्रामोफोन में अपने आप एक गाना बजने लगता है। हैरान होकर मीला नीचे आके उसे बंद करती है और तभी वो नोटिस करती है कि डेड बॉडी के नाक से कॉटन फिर से गिर गया है और इस बार कफन भी खुल गया है। डरते हुए मीला फिर से कफन बांधती है और जैसे ही वो कॉटन उसकी नोज में डालती है, अचानक उसे ऊपर से चीखने की आवाज सुनाई देती है। ये सोचकर कि शायद नोवी किसी खतरे में है, मीला जल्दी से नोवी के रूम में जाके चेक करती है और देखती है कि वो बेड के नीचे छुपी हुई है। नोवी बेड के नीचे से एक अलमारी की तरफ इशारा करती है, जहाँ से खरोचने की आवाज आ रही होती है। मीला डरते हुए अलमारी के पास जाती है, लेकिन जब वो अलमारी खोल के देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो वापस नोवी के पास आके उसे बाहर निकलने के लिए कहती है, लेकिन जब वो उसे बाहर निकालती है तो नोवी को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। मीला जल्दी से नोवी का अस्थमा पंप ढूंढती है और उसका इलाज करती है, जिससे नोवी की सांस वापस नॉर्मल हो जाती है। मीला फिर नोवी को बेड पर लेटा देती है और उसके साथ ही लेट जाती है ताकि उसको कंपनी दे सके। कुछ देर बाद जब मीला पानी लेने किचन में जाती है तो उसे फिर से वही अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, और जब वो चेक करने जाती है तो हमें खिड़की के बाहर एक लाश खड़ी हुई दिखाई देती है। मीला को डर लगने लगता है और वो ऊपर जाने लगती है। तभी उसका ध्यान पर्दे के पीछे खड़े एक फिगर पर जाता है। वो डरते डरते चेक करती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तभी अचानक पीछे से उसको एक भयानक आवाज सुनाई देती है।
जिससे मीला काफी डर जाती है। वो परेशान और डरी हुई होती है और हम फिर से उसके पीछे एक लाश को देखते हैं। जब वो आगे बढ़ती है तो अचानक से नोवी उससे टकरा जाती है, जिससे मीला अपनी नींद से उठ जाती है और देखती है कि नोवी बेड पर नहीं है। वो उसे ढूंढती है और ये देख के हैरान हो जाती है कि वो सीढ़ियों से भागती हुई नीचे जा रही है। मीला जल्दी से उसके पीछे नीचे जाती है और देखती है कि वो घर के बाहर भाग रही है। और जब मीला उसके पीछे बाहर जाती है तो ये देख के डर जाती है कि नोवी तो छत पर खड़ी है। मीला जल्दी से ऊपर जाके उसे बचा लेती है और जब वो उसे वापस नीचे ले आती है तब घर का फोन बजता है। मीला फोन उठाती है और रदित बताता है कि वो अभी भी रास्ते में ही है, इसलिए अगर मीला जाना चाहे तो वहां से जा सकती है। मीला जवाब देती है कि वो नहीं जा सकती क्योंकि इस घर में अजीब चीजें हो रही हैं। लेकिन जब रदित ये कहता है कि नोवी को इन सब चीजों की आदत है तो मीला ये सुन के चौंक जाती है। वो वापस नोवी के पास जाती है और देखती है कि उसकी बॉडी ठंडी हो रखी है। वो उसे किचन में ले जाके चाय देती है ताकि उसकी बॉडी वार्म हो सके। और जब वो नोवी से ये पूछती है कि वो ऊपर कैसे पहुंची तो अचानक उन दोनों को कुछ आवाज सुनाई देती है। मीला नोवी से पूछती है कि क्या उसने कभी पहले ऐसी आवाजें सुनी है, लेकिन नोवी चुप रहती है। डरते हुए मीला उस दरवाजे की तरफ जाती है जिसके पीछे से आवाजें आ रही होती है, लेकिन जैसे ही वो उसे खोलने वाली होती है नोवी उसका हाथ पकड़ के रोक लेती है। नोवी को फिर से अस्थमा अटैक आता है, इसलिए मीला उसे वहीं बैठा के उसका इनहेलर लेने के लिए उसके रूम में जाती है। लेकिन जब वो इनहेलर लेके जा रही होती है तो अचानक मिरर में अपने पीछे एक लाश को देख के डर जाती है। लेकिन जब वो मुड़ती है तो वहाँ कोई नहीं होता। अचानक लाश उसके सामने अपीयर होती है, जिससे डर के मीला भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। मीला हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन जब वो पीछे देखती है तो रूम में कोई और नहीं होता और अचानक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। डरते हुए मीला सीढ़ियां उतर के नीचे आती है और देखती है कि रदित की मां की लाश गायब हो चुकी है। मीला नोवी को लेकर घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है तो उसे अपने सामने लाश दिखाई देती है और अचानक नोवी कार से गायब हो जाती है। फिर मीला देखती है कि एक अनसीन फोर्स नोवी को हवा में उठा लेता है और इससे पहले कि मीला उस तक पहुंचे वो फोर्स नोवी को वापस घर के अंदर खींच लेता है। मीला जल्दी से नोवी को ढूंढने वापस घर के अंदर जाती है और ढूंढते ढूंढते वो रदित की माँ के रूम में चली जाती है, जहाँ अचानक लाइट चली जाती है और एक चेयर अपने आप हिलने लगती है। इससे पहले मीला को समझ पाए एक लाश ऊपर से उसके सामने गिरती है, जिससे डर के मीला वहां से भाग जाती है। मीला भाग के नोवी के रूम तक पहुंचती है, लेकिन वो देखती है कि नोवी पजेस हो रखी है। नोवी बताती है कि ये घर उसका असली घर है और वो अपनी आत्मा के लिए एक नया शरीर ढूंढ रही है। मीला डरते हुए देखती है कि कैसे नोवी दीवार पर चढ़ जाती है और अचानक उस पर अटैक करने के लिए उस पर जंप करती है, लेकिन मीला किसी तरह उस अटैक से बच जाती है। नोवी फिर अपनी पावर्स का यूज करके मीला को हवा में उठाकर नीचे पटक देती है। जैसे ही नोवी उसकी तरफ बढ़ती है, मीला उस रूम से भागकर दरवाजा बंद कर देती है और घर में नोवी की चीखने की आवाज गूंजने लगती है। थोड़ी देर बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है, मीला नोवी को ढूंढने के लिए धीरे से वापस रूम में जाती है, जहां उसे एक टॉर्च मिलती है। तभी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और मीला अपने पैरों के पास एक कपड़ा देखती है। वो कपड़ा उठाती है और नोटिस करती है कि अलमारी के अंदर से आ रहा है। वो कपड़े को खींचती है, लेकिन वो अटक जाता है और तभी डिमोनिक हाथ उसे अलमारी के अंदर खींच लेते हैं। मीला को फिर से डिमोनिक आवाज सुनाई देती है और वो लाश को वहां देखकर डर जाती है, जिससे डर के वो वहां से भाग जाती है। भागते भागते वो सीढ़ियों से गिर जाती है। कांपते हुए हाथों से मीला टॉर्च उठाती है, लेकिन देखती है कि टॉर्च काम नहीं कर रही और तभी वो अपने ठीक सामने फिर से लाश को खड़ा देखती है। उसे देख के वो बुरी तरह से डर जाती है, लेकिन फिर रियलाइज करती है कि वो अब गायब हो गया है। मीला घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा लॉक्ड होता है। थककर और घबराहट में वो जमीन पर बैठकर रोने लगती है, लेकिन उसका डर तब और बढ़ जाता है जब उसे फिर से वही डरावनी थंपिंग साउंड सुनाई देने लगती है। नोवी को ढूंढने के लिए मीला फिर से घर के अंदर तलाशी करने लगती है, लेकिन तभी अचानक से एक सीक्रेट रूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, जो पहले से ही इतने डरावने माहौल को और ज्यादा डरावना बना देता है। वो रूम के अंदर जाती है और एक मिस्टीरियस बॉक्स में अपनी फोटोज देख के शॉक हो जाती है। उसका शॉक तब और बढ़ जाता है जब उसे रदित की डेड बॉडी की फोटोज भी उस बॉक्स में मिलती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ सके, वहाँ रदित आ जाता है। तभी नोवी भी उस रूम में एंटर करती है। मीला ये देख के और ज्यादा चौंक जाती है कि रदित की माँ भी वहाँ है। मीला उसके रूम तक उसका पीछा करती है, जहाँ उसे एक दूसरी लड़की दिखाई देती है और एक बूढ़ा आदमी बेड पर मरा हुआ होता है, रदित की माँ, जिसका नाम सुलास्त्री है।
नोवी से कहती है कि उन्हें उसके हस्बैंड की आत्मा के लिए एक नया शरीर 3 दिन के अंदर ढूंढना होगा, वरना वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले जाएंगे। रदित बीच में बोलता है कि सुलास्त्री ने एक रदित नाम के यंग लड़के को ढूंढा था और उसने मेरी आत्मा को उसके शरीर में डाला, जिससे मैं मौत से बच गया था। वो कहता है कि मैं रदित नहीं सुतिष्णा हूँ और अब मेरी वाइफ सुलास्त्री को बचाने का वक्त आ गया है। मीला समझ जाती है कि सुतिष्णा ने उसके शरीर को अपनी वाइफ की आत्मा के लिए चुना है। घबराकर वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बंद होता है। बेचैन होके वो हेल्प के लिए चीखती है और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन सुतिष्णा उसकी तरफ बढ़ने लगता है। मीला पूछती है कि उसने उसको क्यों चुना है, तो वो जवाब देता है क्योंकि ये तुम्हें ही होना था। बचने की कोशिश में मीला आखिर में एक एटिक में छुपने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसे बचने का कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो खिड़की से बाहर कूदने का डिसाइड करती है। वो घर से बाहर भागने में सक्सेसफुल हो जाती है, लेकिन सुतिष्णा बाहर आके उसे गिरा देता है। अगले सीन में सुतिष्णा मीला को सुलस्त्री के मरे हुए शरीर के पास लेटा देता है और उसकी आत्मा को मीला के शरीर में डालने का रिचुअल करता है। कुछ देर बाद मीला उठती है, लेकिन असल में ये सुलस्त्री होती है जो मीला के शरीर में होती है। इस भयानक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो मीला के मरे हुए शरीर को दफनाते हैं और सीन यहीं कट हो जाता है। अगले दिन नोवी सुलास्त्री से अपनी नफरत एक्सप्रेस करती है। वो कहती है कि उसे अपना ये शरीर पसंद नहीं है और उसे भी उसकी तरह एक अडल्ट शरीर चाहिए। सुलास्त्री उससे कहती है कि चिंता मत करो, जल्द ही तुम्हें एक नया शरीर मिलेगा जो तुम्हें पसंद आएगा। तभी अचानक कोई दरवाजे पे नॉक करता है और जब नोवी दरवाजा खोलती है तो हम देखते हैं कि नर्स इंदा वहाँ खड़ी होती है, जो पूछती है क्या मीला नाम की नर्स कल रात यहाँ आई थी। नोवी उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखती है और फिल्म यही एंड हो जाती है। दोस्तों, आई होप कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद और अच्छे से समझ आया होगा। इन केस आपको इस मूवी में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे वो डाउट पूछ सकते हैं। ऐसी और अमेजिंग हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। हम जल्दी ही मिलेंगे एक नई हॉरर मूवी के साथ, तब तक के लिए स्टे स्पूकी।